जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन नेवी। जी हाँ, इंडियन नेवी में आप लोग की जो है फायर इंजन ड्राइवर फायरमैन की आप लोग की जो वैकेंसी निकली पूरी जानकारी मैं आप लोग अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें। इंडियन नेवी की आप लोग की ये वेबसाइट है और मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। जी हाँ, लिंक दे दूंगा आप लोग को। भर्ती देखूंगा, ठीक है। भर्ती देखो पे आप करके आप लोग को यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन सी वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोग को जो है कितनी कितनी वैकेंसी, 220 टोटल वैकेंसी। फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होंगे, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या है, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की आप लोग की वैकेंसी है, बिल्कुल क्लियर कर दूँ। फीस आप लोग कुछ लगने वाली नहीं है और टोटल वैकेंसी आप लोगों को दिखा दी गई है। फायरमैन में काफ़ी अच्छी वैकेंसी, फायरमैन में ही आप लोग 184 वैकेंसी, कोई फीस लगने वाली, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, इसके अलावा फॉर्म कहाँ सेंड करना है और इसमें आप लोगों का प्रोसेस क्या रहना है सिलेक्शन का। नीचे आने के बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन का लिंक दिया, नोटिफिकेशन का लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है वैकेंसी, किसके लिए वैकेंसी है, इसकी पूरी जानकारी आप लोग ले लीजिए। तो आप लोग देखेंगे द इंडियन नेवी, जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन का लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग का इस प्रकार का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। द इंडियन नेवी आप लोग की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई सिविलियन पर्सनल की आप लोग की वैकेंसी है, वैकेंसी क्या है पहले इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। एप्लीकेशन जो आप लोग को इनवाइट किया गया है फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन की आप लोग की वैकेंसी है, ग्रुप सी नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल आप लोग की जो वैकेंसी है, फिल्ड अप बाय अब्जर्प्शन फ्रॉम द पर्सन सर्विंग इन सिमिलर इक्विवेलेंट और हायर ग्रेड इन लोअर फॉर्मेशन ऑफ द डिफेंस सर्विस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो व्यक्ति डिफेंस सर्विस में हो, ठीक है, और सिमिलर या फिर इस इक्विवेलेंट या फिर हायर ग्रेड लोअर फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस में कार्यरत हो तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एज ए एब्जॉर्प्शन बेस पे आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है, यानी कि इंडियन नेवी में जो सम्मिलित होना चाहता है उसके लिए एक वैकेंसी है। लेकिन आप डिफेंस में कार्यरत हो, चाहे आप लोग इक्वल पोस्ट पे हो या फिर लोअर या फिर उच्च ग्रेड पे आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत ही अच्छी आप लोग के लिए निकल के आ रही है यदि आप लोग भी इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं। तो इंडियन नेवी के अंतर्गत आप लोग की फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें आप लोग की जो वैकेंसी है सैलरी काफ़ी अच्छी है, 21,700 से 69,100 रुपये आप लोग को मिलने वाली। कमांड के नाम दिए हैं, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड। आप लोग की प्लेस पोस्टिंग वगैरह कहाँ होगी इसकी डिटेल दिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप लोग देखेंगे 17, 8 और 11। इसी प्रकार से आप लोग की फायरमैन की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी आप लोग की जो सैलरी है 19,963 सैलरी है, ईस्टर्न कमांड में है, साउथर्न कमांड में और अंडमान निकोबार में। 113 ईस्टर्न कमांड में, साउथर्न कमांड में 22 और अंडमान निकोबार में 49 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये मीन्स ओपन भर्ती आप लोग के लिए नहीं है, यानी कि यदि आप लोग 10th पास है 12th पास है तो आप लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ये डिफेंस सर्विस में जो कार्यरत हैं उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है, एब्जॉर्प्शन बेस पे है, जो कि इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं उनके लिए आप लोग को वैकेंसी है। चलिए, इसके बाद आप लोग की जो एज है वो 56 साल मैक्सिमम रखी गई, इससे ज़्यादा नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग को दी जाए तो यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर के लिए 10th आप लोग होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग के पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी व्हीकल को चलाने का, और फिजिकली आप लोग फिट होने चाहिए। फिजिकली फिट होने चाहिए यहाँ पे मीन्स आप लोग को जो हाइट है 165 होनी चाहिए, और एसटी कैंडिडेट को 2.5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा। चेस्ट आप लोग की 81.5 और फ्लाव के बाद 85 होनी चाहिए। वेट आप लोग का 50 kg होने वाला है। इसके बाद आप लोग का एंडोरेंस टेस्ट है, एंडोरेंस टेस्ट के अंतर्गत आप लोग जो 65 kg का वेट, 183 मीटर 96 सेकंड का टाइम आप लोग को मिलेगा। क्लियरिंग चढ़ाई जो आप लोग करनी है 2.7 मीटर का है, ठीक है, दोनों पैर से आप लोग गड्ढों को कूदना है और क्लाइंबिंग आप लोगों को 3 मीटर वर्टिकल रोप के सहारे आप लोग को चढ़ना है, 3 मीटर की क्लाइंबिंग, ठीक है। डिजायरेबल में मांगा गया है आप लोगों को मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन की मेंटेनेंस की जानकारी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोग के पास रेगुलर सिविल डिफेंस फायर ब्रिज फायरमैन ग्रेड 1 सीनियर फायरमैन, ठीक है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये आप लोग का डिजायरेबल में है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत। अब नीचे जो वैकेंसी है आप लोग की फायरमैन की, फायरमैन में आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए, फिजिकली फिट आप लोग होने चाहिए, यानी कि 165 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा यदि आप लोग एसटी कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा चेस्ट आप लोग 81.5 और फुलाव के बाद 85 होनी चाहिए। वेट आप लोग का 50 kg यहाँ पे होना चाहिए। एंड्योरेंस टेस्ट के अंतर्गत आप लोग को 65.5 kg, 183 मीटर 96 सेकंड का टाइम मिलेगा, और जो आप लोग गड्ढा है उसे 2.7 मीटर का, उसे आप लोग दोनों पैरों से पार करना है और 3 मीटर की आप लोग की वर्टिकल चढ़ाई।
तो ये आप लोग की क्वालिफिकेशन है। तो यदि आप लोग भी डिफेंस में कार्यरत हैं, समकक्ष या फिर उच्च ग्रेड में आप लोग लोअर फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस में कार्यरत हैं और आप लोग समामेलित होना चाहते हैं इंडियन नेवी के अंतर्गत, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आप लोग के लिए। एक बार और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ओपन भर्ती नहीं है, ये भर्ती सभी के लिए नहीं है, बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आप लोगों को इस चीज़ को बोल रहा हूँ। इसके अलावा इंडियन ड्राइवर में क्या क्या वर्क वगैरह है, आप लोगों का जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, इसकी डिटेल भी आप लोग को दी गई है, ठीक है, आप लोग जॉब प्रोफाइल वगैरह देख लेंगे। और इसके अलावा फायरमैन है, फायरमैन का क्या जॉब प्रोफाइल वगैरह रहेगा, ठीक है, जो चार्जिंग ड्यूटी वगैरह क्या क्या रहेगी, पूरी डिटेल आप लोग को दी गई। चलिए इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग का जो होना है, फिजिकल आप लोग का होगा, ठीक है, फिजिकल ही आप लोग का यहाँ पे होने वाला, और कुछ नहीं होना, फिजिकल आप लोग का होगा। और जो जो कि जो भी आप लोग का जो है पोजीशन बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस वगैरह होगा और उसके बेस पे आप लोग का सिलेक्शन है। इसके साथ साथ आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है, आप लोग का फिजिकल है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ सबमिट आप लोग बता दूँ 17/8/2022 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई की जानकारी दी है, फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म की डिटेल आप लोग को दी गई, ठीक है, बाहर वाले लिफे पेपर आप लोग अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप लोग जरूर लिख देंगे और बाई ट्रांसफर एब्जॉर्प्शन आप लोग जरूर लिखेंगे। इसके अलावा आप लोग को एड्रेस वगैरह दिया गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना है आप लोग देख लेंगे, ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट विजिलेंस वगैरह और CR डोजियर वगैरह आप लोग का लगाना पड़ेगा, लास्ट 3 साल का जो भी आप लोग का है, ठीक है, कैरियर का। इसके अलावा आप लोग का फोटोग्राफ वगैरह लगाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंट है सब लगाएंगे आप लोग। जनरल कंडीशन वगैरह आप लोग को दी गई सब आप लोग रीड कर लेंगे। इसके अलावा आप लोग का जो है यहाँ पे डिटेल दिया है फॉर्म का, यही फॉर्म आप लोग का है, इसी फॉर्म को आप लोग को भर के भेजना है। नाम आप लोग का क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा, आधार कार्ड, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह, एक पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग यहाँ पे चिपकाएंगे। और सर्विस में आप लोग जब भी आए थे उसकी डिटेल आप लोग देनी पड़ेगी, कब आए थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और पोस्ट के लिए सेटिस्फाइड है यहाँ पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी डिटेल देनी है, एक्सपीरियंस वगैरह है जो आप लोग को जॉब का एक्सपीरियंस है उसकी डिटेल देनी है, क्वालिफिकेशन प्रोसीड बाय कैंडिडेट उसकी डिटेल देनी है। इसके अलावा डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जानकारी आप लोग दे देंगे, ठीक है, और ऑफिस इंस्टीट्यूशन वगैरह है उसकी जानकारी आप लोग देंगे। नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट आप लोग का जो है एडहॉक बेस, उसकी परमानेंट है या फिर टेम्प्रोरी है उसकी डिटेल आप लोग देंगे। और यदि प्रेजेंट एम्प्लॉयड हैं आप लोग तो डेपुटेशन है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी और कैडर डिपार्टमेंट वगैरह की जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा एडिशनल डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट स्टेट वर्किंग अंडर आप लोग किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर, उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। और वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट इंडियन नेवी इन द फेडरेट तो उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी या फिर यदि आप लोग इंडियन नेवी में कर रहे थे। इसके अलावा आप लोग को जो रिवाइज्ड स्केल वगैरह इफ़ कोई है तो उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग देंगे। और टोटल एलुमिनेशन ऑफ मंथ नोट जो भी आप लोग का पे स्केल वगैरह है, पे लेवल वगैरह, टोटल एमुलेंट कितना मिलता है उसकी डिटेल आप लोग देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को देंगे, सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को, जो भी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले लगानी पड़ेगी, अचीवमेंट वगैरह आप लोगों ने कुछ प्राप्त की है, अवार्ड वगैरह, एनी कोई ऐसी अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह उसकी डिटेल देंगे। यदि आप लोग SC ST हैं तो उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी पड़ेगी। इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है यहाँ पे जो आप लोग इंडियन नेवी के अंतर्गत वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी मैं आप लोग बिल्कुल क्लियर कर दूँ, एक बार और इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, वैकेंसी अच्छी है, 220 वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी जो है ये आप लोग की एब्जॉर्प्शन बेस पे यहाँ पे भरी जा रही है। जो वर्किंग में है सिमिलर इक्वलेंट या फिर हायर ग्रेड लोअर फॉर्मेशन में आप काम करते हैं डिफेंस में और इंडियन नेवी के अंतर्गत आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, जानकारी लेकूँगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।